अगर कोई मुझसे पूछेगा ना धरती में सुकून चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए, तो मैं कहूंगी सोनमर्ग कश्मीर में। वेलकम टू सोनमर्ग कश्मीर। आज के इस वीडियो में आपको हरे भरे पहाड़ से लेके सूखे पहाड़ लेह के भी देखने को मिलेंगे, जो कि भरे हुए होंगे बर्फ से। बोली हमारी टैक्सी आई नहीं है, अभी हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। जस्ट वो गाड़ी आई है, पता नहीं हमारी टैक्सी है कि नहीं, ऑलरेडी दो खड़ी है। मैं नॉर्मली टॉप पहन के निकल रही थी, बाहर भयंकर ठंडी है। तो यही हमारी गाड़ी है और अभी बज रहे हैं 7:40। सुबह कितना होगा इमेजिन कर लो। तो हम लोग रुके हैं ओपेरा इन में, ये रहा होटल, एकदम रोड की साइड में है। और अगर आप सोनमर्ग की डे ट्रिप कर रहे हो ना, तो जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग चले जाइए, क्योंकि ना रास्ते में ट्रैफिक रहता है और कानवाई के लिए भी गाड़ियां रोकी जाती है, तो जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी कवर कर पाएंगे, अदरवाइज चीजें छूट जाएंगी। यहाँ पे है ना दो चीजों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, एक सर्दी का भी, दूसरा गर्मी का भी, क्योंकि यहाँ के लोग जो यहाँ के है ना वो न ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करते हैं न ज्यादा सर्दी बर्दाश्त करते हैं। मगर यहाँ पे ज्यादा बनाते हैं लकड़ी का ही, जिसमें लकड़ी जलाते हैं, क्योंकि पावर का यहाँ पे ज्यादा सुविधा नहीं, पावर कट होता है। श्रीनगर से सोनमर्ग का जो डिस्टेंस है वो है 89 किलोमीटर, और जाने का रास्ता काफी अच्छा है, थोड़ा सा घुमावदार है। अगस्त के महीने में रहता है पानी से, इस सोनमर्ग से वो ग्लेशियर का पानी आता है। सुबह जल्दी उठे थे ना, इसलिए मुझे नींद आ रही है। होटल से आप अच्छे टाइम पे निकले, अगर आप थोड़ा सा लेट निकलते ना फिर यहाँ रुवाई। अच्छा, बिल्कुल, हाँ हाँ। जैसे ही आप श्रीनगर से बाहर निकलोगे, थोड़ी ही देर बाद ना बहुत सुंदर सीनरी शुरू हो जाएगी, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे और पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, और इनको कैप्चर करना बिल्कुल ना भूले। और अगर कहीं लगता है तो टैक्सी ड्राइवर को बोल के जरूर रुके और उस एरिया का आनंद ले। अच्छे टाइम पे आप निकले। ये है आर्मी की कानवाई की गाड़ियाँ, जब ये जाती है ना तब दूसरी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन हम टाइम से निकल गए थे इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई और हम शांति से जा पा रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड था वेलकम टू सोनमर्ग, और ये हमने एंटर कर लिया है सोनमर्ग में। दोस्तों 9:40 हो रही है, हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए हैं। टैक्सी वाले भैया ने यहाँ पे टैक्सी पार्क कर दी है, उससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, बोला इससे आगे जाना है तो पोनी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे ना थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लीजिए सामने, बहुत थोड़ी है, अभी हम लोग अक्टूबर में आए इसलिए, ये अभी फ्रेश स्नोफॉल हुआ है लगता है रात को, ये थोड़ा थोड़ा जो आपको दिख रहा है। तक आने का रास्ता थोड़ा घुमावदार है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हो या फिर आपको वॉमिट होती है ना, ज़रूर कुछ खाने का रखें मुंह में, और या फिर ब्रेकफास्ट स्किप करें, थोड़ा सा चक्कर आएगा आपको। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है रास्ते, पर थोड़े बहुत तो है ही। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने नाश्ता किया, चाय पी, क्योंकि हम सुबह बहुत जल्दी निकले थे विदाउट ब्रेकफास्ट, बिना चाय पिए, तो सबसे पहले चाय पी। खाना ओके ओके मिलेगा यहाँ पे, थोड़े बहुत रेस्टोरेंट है, वहीं पर हमने आलू पूरी मंगवाई थी और चाय पी थी। दोस्तों यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हो रही है जो जैसलमेर में हुई थी, पूरा यूनियन सिस्टम है। हम लोग टैक्सी करा के आए स्पेशल 2500 में, टैक्सी वाले ने टैक्सी खड़ी कर दी है यहाँ पे। अब आगे जो भी ले जाने के चार्जेस है ना 0 पॉइंट तक, कोई कोई बोल रहा है 7000 8000, इतना कौन पे करेगा, इतने में तो हम फ्लाइट टिकट भी बुक कर लेते हैं। तो स्पेशल करने है तो इतना चार्जेस बोल रहे हैं, शेयरिंग में भी ये लोग 2000 बोल रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या करें, हम लोग आके एक घंटे से यहाँ खड़े हैं और सब जगह पूरा यूनियन सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, आप देख लीजिए जहाँ यहाँ ये खड़े हैं ग्रुप में, और जैसे कोई टूरिस्ट आता है ये लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। तो अब हम कंफ्यूज हो गए क्या करें। आगे यहाँ से ना ग्लेशियर पॉइंट है कहीं पे, तो आगे 3 पॉइंट है, तो पहले पॉइंट तक पोनी का 1600 बोला, सेकेंड पॉइंट तक 2400 बोला, और थर्ड पॉइंट तक 3500 बोला है पोनी का, और विदाउट पोनी नहीं जा सकते ऐसा सब बोल रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल कंफ्यूज है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग होगा बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पूरा यूनियन सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे बादाम मिल रहे हैं, आपको दिखेगा, बादाम क्या बात है,
450 के जी और 300 के जी ये अखरोट। ये सोनमर्ग में ही नीचे एक लोकल शॉप थी, वहाँ के रेट से हम पहलगाम से शॉपिंग करने वाले हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो यहाँ से हमने नहीं लिया है, यहाँ से हमने एक वेफर लिया था त्विशा के लिए। मेरा यात्री निवास यहाँ सोनमर्ग का, अगर आपको यहाँ पे स्टे करना हो तो भी स्टे कर सकते हो, बट मोस्टली लोग पहलगाम और वहाँ पे स्टे करते हैं गुलमर्ग में। यहाँ से एक ही दिन में दर्शन हो जाता है, जहाँ से हमें जाना वहाँ से 16 किलोमीटर टोटल यात्रा है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीपैड बनाया हुआ है और हेलीकॉप्टर जाते हैं। अब हमने टैक्सी करवा ली है और हम जा रहे हैं जोजीला पास की ओर, और यहाँ पे ना ट्रैफिक जैम की बहुत ज्यादा संभावना होती है और ये रोड ना इंडिया के डेडलीस्ट रोड में से एक है। जोजीला पास, वहाँ पे स्नो दिख रही है आपको और ये काफी टॉप पे आ गए हम लोग। और आप दूसरी ओर देख सकते हो पूरी खाई है, ना बाउंड्री है रोड पे, ना कुछ है, साइड में कच्चा रास्ता है और गाड़ी वहाँ से जा रही है। ड्राइवर से थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो सीधा हम पहुँचेंगे नीचे। ऊपर जाके टाइगर मंदिर है जो कि शिव भगवान का मंदिर है जो कि अभी आने वाला है। छोटा सा मंदिर है, रोड के साइड पे बना हुआ है, इसे जोजीला टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। जीरो पॉइंट का एरिया शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है सही में लेह लद्दाख में आ गए। यहाँ के माउंटेन्स काफी अलग है श्रीनगर और उस साइड के माउंटेन से, ये काफ़ी ड्राई है, ऊपर स्नो है और बहुत ज़्यादा ठंडी है। दोस्तों हम आ चुके हैं जोजीला एल्टीट्यूड पे यहाँ पे, और सामने पूरा स्नो है, पुराना स्नो है ऊपर। अभी अक्टूबर के मंथ में और अभी हम आ गए हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो गलती से भी विदाउट स्वेटर मत आना, नीचे से भी स्वेटर ले लेना, बच्चों के लिए टोपी हैंड ग्लव सब कुछ फिर ही लेके आना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो वहाँ पे भी एक बोर्ड मारा हुआ है, यू आर स्टैंडिंग एट जोजीला पास। इतनी ज़्यादा ठंडी है, मेरा हाथ कांप रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, स्किन पूरी ड्राई हो चुकी है। तो ये जो एरिया है वो लद्दाख के अंदर आता है, क्या नाम है नरेश? द्रास। इस एरिया का नाम द्रास है। जगह पे शॉल लेके बेच रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत आने के बाद अगर नहीं लाए ना तो लेना ही पड़ेगा। और इस पॉइंट पे आके ब्रीथिंग की दिक्कत हो रही थी, थोड़ी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी थी। भैया केसर बेच रहे हैं, कितने रुपए के भैया? देखिए मैप में दिखा रहे हैं, जोजीला पॉइंट। अच्छा, और लद्दाख कहाँ से शुरू हो रहा है? इधर से ही लद्दाख शुरू हो रहा है और अमरनाथ ये यहाँ पे है। टेम्परेचर 4 degrees यहाँ पे। दोस्तों जोजीला पॉइंट में ना बहुत तेज हवा चल रही थी और बहुत मुश्किल हो गया था बात भी करना, और अब हम हो रहे हैं रिटर्न। काम चालू है और रिटर्न होते टाइम हम ट्रैफिक जैम में फंस ही गए, काफी देर फंसे रहे। मन में डर भी लग रहा था और एक साइड माउंटेन्स का जो व्यू आ रहा था वो अमेजिंग था, ऐसा व्यू कभी कहीं नहीं देखने को मिलेगा, पर रोड बहुत ज्यादा डेडली थे तो डर बहुत ज्यादा लग रहा था। पानी पिघल के आ रहे हैं, काफी टूरिस्ट रुके हैं यहाँ पे भी। दोस्तों सोनमर्ग हमारा हो चुका है, हम लोगों ने ना शेयर टैक्सी की थी,
आगे तक पूरी टैक्सी का चार्ज था 4000 और हम लोगों ने मतलब जैसे कोई टूरिस्ट आके खड़ा है ना तो आपको सामने से अप्रोच करना है, पूछ लेना है शेयरिंग में, तो वैसे 7 अलग मेंबर्स थे और हम 2 थे, तो इस तरीके से शेयरिंग में हमने किया, तो हमें 890 रुपीज़ का हुआ ये टूर। काफ़ी जाना पड़ता है तो अच्छे से हो गया। आके हमने पोनी नहीं किया, हम पहलगाम में पोनी करेंगे क्योंकि और रील्स वगैरह बनानी है यहाँ पे, तो हमने रील्स वगैरह बना ली है। अब हम जा रहे हैं, कुछ खाएंगे, थक चुके हैं, तो चलिए। ये था सोनमार्ग का ट्रिप और मेरे पीछे थर्जी बस ग्लेशियर है। यहाँ तक जाने के लिए आपको पोनी करनी पड़ेगी और अगर आप वॉक करके जाओगे ना तो यहाँ तक तो आप आराम से वॉक करके जा सकते हो, वो थर्जी बस ग्लेशियर है, तो वो सब हमने कवर कर लिया। यहाँ पे कुछ खाएंगे, खाली लस्सी का डब्बा वो लेके घूम रही है कब से। हम रिटर्न आए तो करीबन 4 बज रहे थे और हमने यहाँ पे लंच किया लेट, और यहाँ पे हमने सबसे पहले मैगी मंगाई थी और आलू मटर मंगाया था और साथ में रोटी और जीरा राइस थे। रोटी यहाँ की ऐसी ही मिलेगी, नहीं मज़ा आएगा, फिर भी हमने खा लिया, भूख लगी थी तो। और करीबन 4:30 बजे के बाद हम हो गए रिटर्न और सोनमार्ग को कर दिया बाय बाय। सोनमार्ग जाते हुए रास्ते में कहीं रिवर जैसा आता है या फिर पानी फ्लो हो रहा है फ्रेश, तो आप ज़रूर रुक के उसे इंजॉय कीजिए, रील्स बनाइए, क्योंकि हमने तो हमारे टैक्सी वाले भैया को बोल दिया कि यहाँ पे गाड़ी रोकिए और ये देख लीजिए। हो वाओ, ये फ्रेश पानी ऊपर से आ रहा है बर्फ़ का पिघल के, ओ माई गॉड। ये है कश्मीर की सुंदरता, पानी छूना है, बहुत ठंडा होगा, भागेगी पीछे। ये लगभग फिशिंग कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, ये कटी हुई लकड़ियों को ना रिवर के उस पार भेज रहे हैं। ये है सिंध नदी जो सोनमार्ग से गुजरती है, पहाड़ों से होके नीचे तक आती है, बहुत ही ठंडा पानी होता है इसका। पानी इतना ज्यादा ठंडा था ना कि आपके हाथ सुन्न हो जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा, इस पर मैंने फेस भी डिप किया था। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे पहलगाम की, कैसे कितने खर्चे हुए और कैसे हमने ट्रिप की। चलिए बाय बाय।